दोस्तों, आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डिलीशियस JNG किचन में। आज हम बनाएंगे मसालेदार और स्वादिष्ट तोरई की सब्जी। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए और आपके घर में तोरई है, तो तोरई को स्वादिष्ट और टेस्टी कैसे बनाएं? तोरई को हम छील लेते हैं, पहले छील के निकाल लेंगे। यहाँ से काट लिए और यहाँ से काट लिए, अब छील लेंगे। सभी को ऐसे छील लेंगे हम। हमने तोरई छील लिए है, अब धो लेते हैं। तोरई धो लिए, अब काटेंगे हम। ऐसे काटेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर हम इसके ऐसे बीच को काट लेंगे, ये देखिए ऐसे। हमने तोरई काट ली है, अब हम मसाला तैयार करेंगे। हमने 2 मीडियम साइज का प्याज ले लिए है, छील कर निकाल लिए है। अब हम थोड़ा बड़ा बड़ा काट लेंगे, ऐसे ऐसे काट लेंगे कटर में। हम डालेंगे इसमें 10-12 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, अच्छे से चॉप कर लेंगे। हमें ऐसी बारीक चॉप करना है। लाल लहसुन अदरक को एक बाउल में डाल देंगे हम। अब हम मीडियम साइज का 4 टमाटर काट लेंगे, चॉप कर लेंगे अच्छे से। हमने प्याज भी अच्छे से चॉप कर लिया। अब जो प्याज और लहसुन अदरक कट किए हैं, उसी में इसको भी डाल देंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे नमक 1 चम्मच, स्वादानुसार 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें मिर्च डालेंगे, थोड़ा मीठा रहता है तो। धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 से 1/4 चम्मच गरम मसाला। तोरई में मसाला थोड़ा कम ही डालेंगे हम। कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं 1/2 चम्मच। अब हम सबको मिक्स कर लेंगे, सब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो तोरई काटे हैं हम, इसमें हम भर लेंगे तोरई में, देखिए ऐसे ऐसे भर कर ऐसे रख देंगे हम। सभी में ऐसी भरना है हमें। ये देखिए हमने मसाला भरकर तैयार कर लिए तोरई में। हमने 2 चम्मच तेल ले लिए हैं, तेल गरम हो गया। अब हम डालेंगे जीरा, 2-4 काली मिर्च, 1/2 चम्मच तिल। तिल से तोरई का स्वाद बढ़ जाता है, तो हम ज़रा ही डालेंगे 2-4 हरी मिर्च, करी पत्ता। अब हम डालेंगे तोरई को, 2 फूल पकाएंगे हम। थोड़ा सा मसाला भी ऐसे डाल देते हैं, तो लो फ्लेम में थोड़ा सा ढक्कन 2-3 मिनट ढक्कन बंद करके पका लेंगे। 5 मिनट हो गया, अब हम खोलकर देखते हैं, पलट लेंगे। ऊपर का जो है वो भी पक जाएगा, ऊपर का ये तोरई भी पक जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करके हम पलट लेंगे, ऐसे पलट लेंगे। फिर से हम ढक्कन बंद कर देते हैं और लो फ्लेम में ही हमें पकाना है। ऐसे हल्के से मसाला के लिए चम्मच चला लेंगे। खुशबू आ गया हमारा, सब मसाला भी अच्छे से भून कर तैयार हो गया। 1 मिनट के लिए और ढक देती है। देखिए सब्जी अच्छे से बनकर तैयार हो गया। अब हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ती, खुशबू भी बहुत अच्छे से आ रहा है। आपके मेहमान खाकर खुश हो जाएंगे। आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ये देखिए अच्छे से पक गया। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे कि हमारा तोरई का सब्जी बनकर तैयार हो गया। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।